हेलो मेरे दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वर्ड लेकर के आया हूँ जो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जिस वर्ड को हम बोलते हैं दोस्तों डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन, जिसका मतलब होता है विसरण, या हम नॉर्मल भाषा में इसको बोलेंगे फैलाव। फैलाव का मतलब पता है? फैलना। क्या? फैलना। तो ये डिफ्यूजन क्या होता है, पहले मैं एक स्पेशल दैनिक जीवन में इसका आप लोगों को उपयोग समझाता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि जब आपकी मम्मी आपके घर की रसोई में, किचन में कोई स्पेशल डिश या गाजर का हलवा या कोई भी ऐसा एवरीथिंग बना रही होती है, तो आपको अपने कमरे में बैठे या आपके पड़ोसी को कैसे पता चल जाता है कि हमारे घर में या आपके घर में कुछ स्पेशल चीज़ बन रहा है, और वो ये भी पता लगा लेते हैं कि गाजर का हलवा बन रहा है, नॉनवेज बन रहा है या क्या बन रहा है। या आप लोगों ने ऐसा देखा होगा दोस्तों कि जिस दिन आपके घरों में नॉनवेज बनता है तो आपके घरों के बाहर कुत्तों की लाइन लग जाती है। क्या आपने सोचा है कि कुत्तों को कैसे पता चला? क्या उनको किसी ने इन्विटेशन दिया है? बिना इन्विटेशन के वो लोग कैसे आ गए? तो वही आप लोगों को मैं बता दूं, कुत्तों की स्मेलिंग पावर हम लोगों की स्मेलिंग पावर से कई गुना ज़्यादा होती है, और दूर तक बैठे ही उन लोगों को ये पता चल चुका है कि हमारे घर में आज नॉनवेज बन रहा है, उन्हें खाने को कुछ ज़रूर मिलेगा, भाई हड्डी तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए वो बाहर लाइन लगा करके बैठे हैं। तो ऐसा क्या है और वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से उन लोगों को दूर बैठे पता चल गया कि हमारे घर में क्या स्पेशल चीज़ आज बन रही है? तो उस चीज़ को हम समझने के लिए आए हैं, उसी टर्म्स को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो बेसिकली डिफ्यूजन को केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यदि कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है तो उसी को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। दूसरे शब्दों में डिफ्यूजन का मतलब होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस बाय इटसेल्फ। दो या दो से ज़्यादा यदि पदार्थ एक दूसरे के साथ स्वतः मिक्स हो रहे हैं तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास किया प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। ये जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ये कोई सब्सटेंस पहला है, और ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये सब्सटेंस दूसरा है। जैसे इन दोनों सब्सटेंस को एक दूसरे में डाल दिया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डिजोल्व हो जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं, और इस मिक्स होने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। या दैनिक जीवन में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी यदि आपको दस्त लग जाता है दोस्तों, तो उस दस्त को दूर करने के लिए आप अपने घरों में खुद ORS का घोल बनाते हो, और उस ORS के घोल के अंदर आप क्या करते हो कि कुछ मात्रा में आपने क्या ले लिया, ये पानी ले लिया, और उस पानी के अंदर हमने एक चम्मच क्या डाल दिया, एक चम्मच हमने इसके अंदर शुगर डाल दिया, और थोड़ी सी मात्रा में हमने इसके अंदर क्या डाल दी दोस्तों, सॉल्ट डाल दी। और जैसे आप चम्मच को इसके अंदर हिलाते हो तो कुछ देर के बाद देखते हो कि ये पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो चुकी है, यानी ये घुल चुकी है। यदि ये पूर्ण रूप से घुल चुकी है तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो जिस प्रोसेस के थ्रू इससे मिक्स हुई है, घुली है, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। या आपने ऐसा भी देखा होगा, जरूरी नहीं कि आप हाथ से चीनी को घुलाओ, तो भी यदि एक चम्मच चीनी आप किसी पानी के अंदर डाल दो तो वो चीनी कुछ देर के बाद अपने आप उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अब वो क्यों मिक्स हो रही है, अपने आप उसके पीछे क्या रहस्य है, वो बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो इंटरमिक्सिंग होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में ज़्यादा होती है, या गैसों में ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं कुछ डायग्राम के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वो डायग्राम सबसे पहला है हमारा, यहाँ आपको कुछ दालें दिखाई दे रही होगी, ये तीन चार किस्म की दालों को मैं उठा करके लाया और एक कंटेनर के अंदर मैंने उन दालों को डाला, तो भाई वो दालें जहाँ की वैसी पड़ी हुई है। इसका मतलब इन दालों के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है, और जब मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इनमें स्वतः इटसेल्फ इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है या डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। इनको मिलाने के लिए आपको एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी लगानी पड़ेगी, हाथों से चम्मच को हिला करके इनको मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी लिक्विड के अंदर देखते हैं दोस्तों, किसी हम किसके अंदर देखेंगे, लिक्विड के अंदर, ये था हमारा सॉलिड यानी ठोस। यदि हम किसी लिक्विड के अंदर देखते हैं तो एक लिक्विड में जब दूसरे लिक्विड को डालते हैं तो कुछ देर के बाद वो लिक्विड दूसरे लिक्विड में स्वतः इटसेल्फ मिक्स हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर मान लो कि ये पानी है हमारा, और इस पानी के अंदर मैंने एक बूंद क्या डाल दी, स्याही डाल दी। तो जैसे एक बूंद में इसके अंदर इंक डालूंगा, थोड़ी देर के बाद ये इंक धीरे धीरे इसमें डिजॉल्व हुई, इसमें डिजॉल्व हुई, और पूर्ण रूप से वो एक दूसरे में मिक्स हो गई। तो इसी मिक्स होने के प्रोसेस को ही हम बोल रहे हैं क्या, डिफ्यूजन। तो यहाँ डिफ्यूजन हुआ है। लेकिन यही बात यदि मैं किसी गैस के लिए बोलूँ तो आपको पता है
गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर डिफ्यूजन की रेट भी सबसे हाई और सबसे ज़्यादा होती है। मान लो कि ये दो गैसों को मैंने मिक्स किया, इधर हमारा एलपीजी गैस है और इधर हमारा सीएनजी गैस है। जैसे इन दोनों गैसों को एक कंटेनर में डाला तो कुछ सेकेंड के बाद ये दोनों गैस एक दूसरे के साथ स्वतः मिक्स हो जाएगी और इसके मिक्स होने की रेट काफ़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ एक बात आपको समझ में आ रही होगी या एक बात आप लोगों ने समझा होगा कि सॉलिड में इंटरमिक्सिंग क्यों नहीं हो रही है, लिक्विड में क्यों हो रही है और गैस में सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है। तो इसके पीछे जो रहस्य है इसका वो है इनकी काइनेटिक एनर्जी। भैया आप लोगों को पता है कि सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं होता इनके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट नहीं होता तो एक दूसरे के साथ कैसे मिक्स होंगे। बट लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से कई गुना ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सेल्फ मिक्सिंग होती है, डिफ्यूजन होता है। और गैसों की काइनेटिक एनर्जी तो भाई हायर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस सबसे हाई होती है। तो यहाँ कई बार पूछा जाता है कि डिफ्यूजन किस में ज़्यादा किस में कम और किस में नहीं होता, तो आप बोलोगे सर सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता या सबसे कम होता है मान के चलो, लिक्विड में डिफ्यूजन की रेट थोड़ी सी ज़्यादा होती है और गैसों में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन किस में सबसे ज़्यादा होता है और क्यों होता है, ये बात मैंने आप लोगों को समझाई। अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा जो शुरुआत में मैंने आप लोगों से पूछा था कि जब हमारे घरों में हमारी मम्मी कोई स्पेशल खाना बनाती है तो मैं बाहर के कमरे में बैठ कर ही कैसे पता चल जाता है। तो होता है क्या, जब आपके घरों में आपकी मम्मी कोई स्पेशल डिश बना रही होती है, मान लो कि पनीर की सब्जी बना रही है, तो जैसे पनीर की सब्जी को भूजेगी और बनाएगी तो पनीर की सब्जी से जो वेपर ऊपर की ओर उठेंगे तो वेपर कमरे के आसपास की एयर में मिक्स हो जाएंगे, और जब वो वेपर मिक्स हो जाएंगे तो वेपर मिक्स होने के बाद वो गर्म है वेपर, और आपको पता है कि गर्म एयर ठंडे एयर की तरफ आती है, तो कमरे की जो हवा है और एयर के मॉलिक्यूल्स कभी भी स्टेबल नहीं होते, मूवमेंट होते हैं। जब कमरे की हवा धीरे धीरे बाहर की ओर आई और आपके नाक तक गई तो आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचती है, आपको तुरंत पता चल गया भाई ये पनीर की सब्जी है, क्योंकि पनीर की स्मेल आपके ब्रेन में पहले से ही कैद हो रखी है, कैप्चर हो रखी है। तो इसी प्रोसेस के माध्यम से जो कुत्ते होते हैं या और अलग जानवर होते हैं या हम इंसान भी पता लगा लेते हैं कि किसके घर में कोई स्पेशल सब्जी बन रही है या ना बन रही है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन को समझाने के लिए मैंने कुछ स्पेशल टर्म्स लिए हैं। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। एक दूसरी वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे जो इसी का एक दूसरा पार्ट होगा जिसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। बाय बाय।